बहुत दिनों बाद मैंने वेस्टर्न ड्रेस डाली है तो अच्छा लग रहा है। अभी टीना बना रही है और कह रही मम्मी चलकर दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि सरोजनी नगर से मैं क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। वैसे कुछ खास शॉपिंग नहीं करी है मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी तो इसलिए अब दिखा रही हूँ मैं कि क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। फ्रेंड्स, एक तो ये सेट है, ये बिटिया ने मंगवाया था, टीना ने। ये इसका गले का है चोकर और ये इसका है मांग टीका। फ्रेंड्स, ये पूरा सेट मिला है 100 रुपीज़ में। फ्रेंड्स, ये पूरा सेट 100 रुपीज़ का है। ये लाई हूँ मैं टीना के लिए, टीना को पसंद आ गया था तो मैंने वीडियो कॉल पर इसे दिखा दिया था, उसे पसंद आ गया था। उसे सिल्वर कलर का लेना था एक सेट। और फ्रेंड्स, अपने लिए मैं लाई हूँ एक, अपने लिए मैं ये सेट लेकर आई हूँ। और ये इसके कान के लिए हैं, इयररिंग्स हैं ये इसके, छोटे छोटे मुझे बड़े प्यारे लगे। और ये भी 100 रुपीज़ के ही आए हैं। अरे, ये तो सेट हो गया बीच में ये तो मेरे कानों में सेट हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरा ये गले का सेट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, ये मोतियों की माला मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, उसका डिज़ाइन एकदम यूनिक था, मुझे बहुत पसंद आया और रेट भी रिजनेबल थे तो मैंने इसे ले लिया। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये। और फ्रेंड्स, कोमल के लिए मैंने लिया है ये वाला सेट। मैंने कोमल को बोला कि तुम खुद ही डाल के दिखाओ, लेकिन उसे शर्म आ रही है कैमरे के आगे आते हुए, तो इसलिए वो कह रही कि मम्मी आप ही दिखा दो। और फ्रेंड्स, ये है इसके इयररिंग्स। और ये है इसके रिंग, ये रिंग है इसकी। ये है इसका ब्रेसलेट, इसका ब्रेसलेट है। ये गले का सेट है और ये है इसके इयररिंग्स, ये भी 100 रुपीज़ में ही आए हैं। बहुत ही प्यारा सेट है, कलर भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, ये कड़े और इयर रिंग तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाई दी थी। इयर रिंग 50 रुपीज़ के हैं और ये कड़े हैं 100 रुपीज़ के। इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, अच्छा लग रहा था। आगे त्यौहार आने वाले, राखी आएगी तो सोचा कि राखी पर मैं यही डाल लूँगी। मल्टी कलर है और रिंग भी बहुत प्यारी है। 50 रुपीज़, बहुत ही सस्ता माल है वहाँ पर और बहुत अच्छा भी है, अच्छी क्वालिटी का है। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं वहाँ से कपड़े क्या क्या लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये सर्दियों के स्वेटर भी मिल रहे थे और अच्छे रीजनेबल रेट पर मिल गए, 100 रुपीज़ के। फ्रेश है एकदम, एक्सपोर्ट का नहीं है कोई भी कपड़ा इसमें, क्योंकि इसमें सब में टैग लगे हुए थे। और इसे मैं एक बार वॉश कर लिया है, मैंने वॉश भी कर लिया था। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रही हूँ तो ये कोमल के लिए लिया है मैंने। और फ्रेंड्स, एक ये स्वेटर है, ये भी 100 रुपीज़ का है और इसका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए, ये फ्री के नीचे भी फ्री है, बहुत प्यारा स्वेटर है एकदम डिज़ाइनर और सिर्फ 100 रुपीज़ का। जो भी मैं कपड़े लेकर आती हूँ सरोजनी नगर से, उसे आते ही पहले मैं सबसे पहले उसे वॉश करती हूँ, क्योंकि उस दिन जब गए थे उस दिन बारिश भी थी तो थोड़े से कपड़े वैसे डस्ट वगैरह लग जाता। और वैसे भी मैं वो कपड़े जो सरोजनी से लाती हूँ वो मैं आते ही पहले वॉश ज़रूर करती हूँ। सबसे पहले जो 50 रुपीज़ वाली सेल थी उसमें से ये टॉप लिया है, कोमल को पसंद आ गया।
गया था, तो एक तो आप ये लिया है कोमल ने, ये सब 50 रुपीज़ की सेल में से है। और एक ये टॉप लिया है, एक टॉप ये है, ये तीनों टॉप 50 रुपीज़ के हैं फ्रेंड्स। ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ टॉप, और ये भी 50 रुपीज़ का है फ्रेंड्स। टॉप तो मैंने 3-4 लिए हैं, सोच रही हूँ मैं डाल कर दिखा लूँ, बड़ा मन कर रहा है डालने का। वॉश तो मैंने आते ही कर लिए थे इन्हें, तो फ्रेंड्स अभी मैंने डाल कर दिखा दिया। और एक ये मैं ये लेकर आई हूँ डेनिम का, और ये 100 रुपीज़ का पड़ा मुझे। जैकेट भी ली है ये कोमल के लिए, ये भी 100 रुपीज़ के हैं। ये कोमल के लिए लेकर आई हूँ मैं डेनिम की, 3-4 पीस लिए थे हमने 100 रुपीज़ में। लड़कियों को ना सोचने का माल बड़ा अच्छा लगता है, और हम जैसी वैरायटी होती है लेकिन रेट बहुत ही रीज़नेबल होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग सोजनी नहीं गए होते, एक बार सोजनी मार्केट ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं वहाँ पर, और बहुत ही रीज़नेबल रेट पर। तो फ्रेंड्स अपने जो कपड़े हैं ना, वो मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये टॉप देखो डालकर कैसे कर रही हूँ मैं, फ्रेंड्स कमेंट करके बताना। 150 रुपये का ये पूरा मेरा ड्रेस बन गया, 50 रुपीज़ में ये, और 100 रुपीज़ की मुझे पैंट मिल गई। प्रेस नहीं किया अभी मैंने, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा होगा, और प्रेस करके डालूँगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। अभी गटीना बना रही है और कह रही मम्मी चल कर दिखाओ। इसमें ये नेट का डिज़ाइन बना हुआ है, उससे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, और पूरा लेस यहाँ पर पूरे गले में लगी हुई है, और इधर बाजू में दोनों बाजू में लगी हुई है, अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स एक ये डेनिम की शर्ट लेकर आई हूँ मैं, डेनिम की शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम में ली है, अब डालूँगी देखूँगी कैसी लगती है। टी शर्ट वगैरह तो मैं डालती रहती हूँ, जीन्स वगैरह रैंप पे चला रही है मुझे फिर से। फ्रेंड्स एक ये टॉप लेकर आई हूँ मैं, ये भी 50 रुपीज़ की है, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स आप बताना कैसी लग रही हूँ मैं इसमें। फ्रेंड्स ये है बैलून स्टाइल में है, और ये भी 50 रुपीज़ में मिली है मुझे, अच्छी लग रही है ना, बताना ज़रूर फ्रेंड्स। अच्छा कलेक्शन बन गया मेरा, 50-50 रुपये में। और अभी बहुत जल्दी ना मैं घूमने का प्रोग्राम भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने कपड़े तो ले ही लिए हैं, और पिछली बार मैं जींस वगैरह लेकर आई थी, अभी वो मैंने निकाली नहीं है, तो उनके साथ मेरे पास ब्लैक जीन्स वगैरह भी है, तो उनके साथ में ये डालूँगी और फिर हम घूमने जाएंगे, और फिर आपको वीडियो दिखाएंगे, और फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। और एक ये है नेक्स्ट टी शर्ट, काफ़ी स्ट्रेचेबल है और अच्छी है, क्लिप कट स्लिप में। ये 200 रुपीज़ की है, बहुत दिनों बाद मैंने वेस्टर्न ड्रेस डाली है तो अच्छा लग रहा है। आप बताना फ्रेंड्स कैसी लग रही हो मैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का हॉल वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरी वीडियो में व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सरोजनी ज़रूर जाना, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, बाय बाय।